दोस्तों आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। और दोस्तों देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आजादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आजादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सभी आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उन्हीं की तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आजाद हो सका था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा, और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। और दोस्तों 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे, और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर आज 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे एक साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया, और फिर पिता के निधन के एक साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला, और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से मावजी दवे जोशी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने, और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया, और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए वह चले गए। और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके वो अपने वतन भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद